Hey guys, और ये मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोग जरूर बताना। ये देखिए इस तरीके से साड़ी है और ये मुझे काम लग रहा था। और इसके ब्लाउज की ये मैचिंग नहीं है, दूसरा ब्लाउज था, लेकिन मैं इसके मैचिंग के अकॉर्डिंग मैं ये ब्लाउज बनवाई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस तरीके से सेटिंग हुई है, ये देखो। और कैसी लग रही हूँ मैं ये ज़रूर बताना आप लोग। और मेरे बाल ये देखो इस तरीके से, मुझे थोड़ा हेयर कट भी करवाना है, बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, थोड़ा पूछ निकल आया है, ये कट करवाना है। आज तो मैं ऐसी साड़ी दिखा रही हूँ और इस तरीके से देखो कैसे लग रही हूँ। अच्छी लग रही हूँ ना? आप लोग जरूर कमेंट में बताना कैसे लग रही हूँ मैं। इस तरीके से ये देखो हमारे पूरा किचन भी आ गया है और मैं किचन में ही सूट कर रही हूँ क्योंकि वहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो और जगह, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। मैं सोचती हूँ थोड़ा किचन में ही सूट कर लेती हूँ। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे ये साड़ी एक नज़र में मुझे पसंद आ गई थी क्योंकि ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट कलर है, उनको ये बहुत अच्छा लगता है ये कलर। और एक ऐसी मेरी साड़ी थी जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अब बताना आप लोग कैसा लग रहा है ये साड़ी। और ये मेरा किचन है और इस तरीके से ये देखो, थोड़ा अंधेरा आप दिखेगा क्योंकि यहाँ लाइट है ही, अंधेरा सा दिख रहा है, अंधेरे में मैं अच्छी लग। मैं किचन में आ चुकी हूँ और ये देखो मखाने फ्राई कर रही हूँ और मखाने को घी में थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ और सारे रोस्ट करके मैं निकाल लूँगी क्योंकि मुझे जाना है, कहीं ट्रैवलिंग पर जाना है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें, मूंगफली है देखो, बादाम है और काजू है, और ये लड्डू के लिए भी फ्राई करके रख दी हूँ, लड्डू को उनको अलग दे दूँगी। और ये हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम लोग इस ट्रेन में अभी बैठेंगे। और ये देखिए बच्चे सब बैठ रहे हैं ट्रेन में, तो हम लोग भी इस ट्रेन में अभी बैठ जाएंगे। और रश बहुत ज़्यादा था तो, लेकिन सीट जितना था उतना ही लोग बैठेंगे। ये चेयर वाली ट्रेन है तो चेयर वाली ट्रेन लिया था तो इसी में जाके बैठूंगी हम लोग। और तो हम लोग सुबह के निकल चुके हैं, घर से 6 बजे निकल चुकी हूँ और 6 बजे निकलने के बाद, और ये देखिए रूटीन, क्योंकि 4 बजे से जगी हुई थी और 4 बजे से मैं सुबह के नाश्ते वगैरह बना रही थी कि ट्रेन में खाने के लिए, क्योंकि इसमें पेंट्री कार नहीं थे तो इसलिए घर से खाना ले जाना था सब कुछ। तो बाद में पता चला कि हाँ थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह मिलेंगे भी। और ये मैं बैठ गई हूँ और चेयर के पीछे कुछ स्टैंड भी आपको मिलेंगे। यहाँ सबसे पहले आपको पेपर मिल जाएंगे और आप चाहो तो पेपर पढ़ लोगे। और ये देखो ये स्टैंड है, इसको नीचे आप गिरा सकते हो, उस पर सामान रख सकते हो। ये देखो मैं गिरा के दिखा रही हूँ आप लोग को, इस तरीके से नीचे गिरा के आप इस पर पेपर रख सकते हो, उस पर खाना खा सकते हो, सब कुछ, मतलब जो भी सामान आपको रखना है, पानी की बोतल वगैरह रखना है तो वो रख सकते हो। और ये हम लोग बैठ गए हैं और दिल्ली से ट्रेन है तो दिल्ली में हम लोग ये ट्रेन में बैठ गए हैं, शताब्दी एक्सप्रेस है तो इसमें बैठ गई हूँ। और ट्रेन स्टार्ट हो गई है, ये देखिए चल पड़ी है ट्रेन, दिल्ली से चल पड़ी है। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये आपके, हमारे और दूसरे चैनल है दरीचा फैमिली, पूरा ब्लॉग उस पर आएगा, इस पर थोड़ा सा ब्लॉग आएगा जो आप लोग देख रहे हो, क्योंकि इस पर खाने पीने का था इसलिए थोड़ा इस पे बना ली हूँ। और सारा का सारा ब्लॉग हमारे दरीचा फैमिली पे आएगा तो आप लोग ज़रूर देखना और ज़रूर इन्जॉय करना। ये देखो ब्रीफकेस सबके ऊपर रखे हुए हैं, लग रहा है ना कोई फ्लैट में बैठे हुए हैं। और ये देखो इस तरीके से आपको अच्छा लगेगा, मतलब कि एहसास होगा कि आप एरोप्लेन में बैठे हो, इस तरीके से लगेगा। और ये देखिए हमारी गाड़ी चल रही है, बहुत स्पीड से चल रही है। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये आपको दरीचा फैमिली पे ही मिलेगा देखने के लिए कहाँ जा रहे हैं। और सुबह से काफ़ी परेशान थी, भाग दौड़ हो रही थी। ये वीडियो जब जाएगी तो हम लोग ट्रेन में होंगे तभी ये वीडियो जा रही होगी उस टाइम। और बैठ गए हैं और ये देखिए पेपर आ गया, मैं भी बैठी हूँ। और पानी का बॉटल दिया है, जितने आदमी उतने आपको पानी का बॉटल मिल जाएगा। और ये घर से मैं खाने जो लाई थी वो सब फ्राई करके लाई थी, वो सब है, बच्चे साथ में हैं तो खाने पीने तो सब कुछ तो अरेंज करके चलना पड़ता है। ये देखिए मूंगफली भी फ्राई कर ली थी और चूड़ा भी फ्राई कर ली थी, जो पोहा कहते हो आप लोग, पोहा भी फ्राई कर ली थी, मखाने भी था। और ये देखिए न्यूट्रिला राइस, वेजेस वाला पनीर और वेज डाल के न्यूट्रिला राइस में बना ली थी। और एक
लंच बॉक्स में मैं डाल दी थी, ऊपर से दिख रहा है इसमें शीशे लगे हुए हैं, तो नहीं खुल रहा था एक हाथ से। तो फिर मैं अरनी को बोली थी खोलने के लिए, खोल दो इसको, तो वो खोल रही है क्योंकि इसको भूख लग गई थी, क्योंकि हम लोग सुबह के निकले हुए थे तो खाना तो बनता है और भूख काफ़ी लग गई थी। और ये देखो न्यूट्रेला राइस कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर बताना। और उसके बाद ये चाय मिल गई थी हम लोग को ट्रेन में ही, और चाय की पूरी सामग्री इसमें डाली हुई है, दिखा हुआ है चाय की सामग्री। इसमें आपको मिल्क पाउडर मिलेगा, चीनी मिलेगा, और चाय पत्ती का वो जो होता है ना पैकेट वो मिलेगा, और ये मिक्स करने के लिए मिलेगा आपको, और बिस्किट मिलेगा। इसमें दो बिस्किट रहते हैं, मारी गोल्ड का दो बिस्किट रहेंगे। तो इस तरीके से मुझे चाय भी मिल गई, और इसमें मैं पनीर भी, ड्राई पनीर भी बना के ले गई थी, और रोटी भी बना के ले गई थी, तो सबके नाश्ते भी हो गए थे। तो टाइम पे सबने रोटी और पनीर खा लिया था, फिर जो राइस ले गई थी न्यूट्रेला राइस वो भी सब थोड़ा बहुत खाए थे। तो ट्रेन में इस तरह के खाने नहीं मिले थे, कुछ हल्का फल्का मिला था खाना, वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी। अभी तो मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए, सबसे पहले चाय पीऊँगी क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, चाय के बगैर बहुत लेट हो गया है। घर से चाय पी के निकली थी, फिर भी मुझे ना थोड़ा सा ट्रैवलिंग में हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, वो सबके साथ हो जाती है, और भागम दौड़ करने के बाद तो ऐसा हो ही जाता है। और सुबह 4 बजे के जगे हुए थे और 6 बजे हम लोग घर से निकल गए थे, तो इस तरीके से होता है तो बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो जाता है। और मैं टी पैक अंदर डाल दी हूँ, ये हॉट वाटर दिया है और मिल्क पाउडर है, और मिल्क पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ और इसमें मिक्स करूँगी, और विदाउट शुगर मैं डालती हूँ, इसमें शुगर नहीं ऐड करूँगी। और मारी गोल्ड बिस्किट के साथ मैं चाय लूँगी, और थोड़ा सा चाय लेने के बाद मैं मेडिसिन लूँगी क्योंकि मुझे सर में दर्द दे रहा है बहुत। उसके बाद देखिए 2 मारी गोल्ड दिया है, मैं इसमें डिप करूँगी और चाय के साथ मैं लूँगी, और काफ़ी इंजॉय करूँगी चाय के, क्योंकि मेरी देखो कितनी थकान लग रही है मेरे चेहरे पर, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बहुत सुबह से लगी हुई थी ना इसलिए थक गई थी, चेहरा भी काफ़ी डल सा हो रहा था। और इस तरह की उधर भी चाय पी रहे हैं और मैं इधर चाय पी रही हूँ। और उसके बाद ये देखिए ये आ गया ब्रेड, ब्राउन ब्रेड दिया है खाने के लिए, और ये जैम है, और ये देखिए आपको बटर मिल जाएगा, और ये शुगर है, और ये केचप मिल जाएगा। तो ये 2 ब्राउन ब्रेड है जो मैं अरनी को लगा के दूंगी, ये सिर्फ अरनी ही ली थी और कोई नहीं लिया था, ये ट्रेन की तरफ से मिला था लेकिन इसके पैसे ऊपर से देने पड़े थे। और ये ब्राउन ब्रेड में मैं जैम्स लगा के अरनी को बटर लगा के मैं दूंगी इसे खाने के लिए, क्योंकि इसको खाना था, इसको भूख लग रही थी, ये बोली अब नहीं खाऊंगी, ये मुझे ये खाना है, घर पे ब्रेड खाती नहीं है। और ये देखो मैं इसमें ब्रेड लगा के मैं इसको दे रही हूँ, और बटर इसमें लगा रही हूँ, पहले बटर खोलती हूँ। और बटर के देखो कितना सुंदर सा फ्लावर बना हुआ है अंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। और मैं इसमें लगाऊंगी और बटर पूरा मैं ब्रेड पे लगाऊंगी, इस तरीके से दोनों ब्रेड पे बटर लगा दूंगी। और ये देखिए इस तरीके से इंजॉय करते हुए बटर लगा रही हूँ, क्योंकि ये लगाती तो पूरा गिरा देती, ट्रेन में ऐसे हिलते डुलते होता है ना, काम तो होता नहीं है करने में, तो ये पूरा गिरा देती, इसलिए मैं बोली कि मैं लगा देती हूँ तुम छोड़ दो। और मैं इस तरीके से इसको बटर लगा के दे रही हूँ, और काफ़ी देखो ट्रेन में इधर उधर हाथ हो रहा है ना इस तरीके से। इसमें बटर लगाने के लिए भी दिया गया था कि आपको हाथ से भी ना लगाना पड़े, एक बनाना भी रख के गया, वो देखो एक बनाना है, एक एक बनाना है, आप बनाना लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और जिसको जो लेना है वो ले सकते हो, और इस तरीके से आपको मिल जाएगा। इसमें वेज कटलेट भी मिल जाएगा और नॉन वेज कटलेट भी मिल जाएगा, तो आप ले सकते हो जो मर्जी है खाने का वो ले सकते हो। इसमें मतलब मेन्यू दिया हुआ है, उसमें मेन्यू के अनुसार आपको कुछ एक आइटम मिल जाएगा, ज़्यादा आइटम नहीं मिलेगा लेकिन कुछ एक मिल जाएगा। और ये जैम्स फट नहीं रहे थे तो मैं जैम इस तरीके से फाड़ के निकाल रही हूँ, और ये देखो जैम भी काफ़ी अच्छे थे, टेस्टी थे, फ्रूट जैम था, तो मैं इस तरीके से निकाल के और ब्रेड पे लगा के मैं इसको खाने दे रही थी। और ये देखो इस तरीके से अब ये फोल्ड कर दी, और इसको एक ब्रेड तो दे दी थी खा रही थी, और दूसरा मैं दे रही थी खाने के लिए, बोल रही नहीं अब नहीं खाऊँगी, मैं बोली खा लो फिर, फिर ये ले ली खा रही है। ये ब्रेड के कॉर्नर तो छोड़ देती है, आधा खा के आधा छोड़ देती है, और मैं देखो काफ़ी टाइट सा फील कर रही हूँ, मन कर रहा है सो जाने का कि अभी मैं सो जाऊँ,
लेकिन चेयर वाले कार पे आप सो भी नहीं सकते हो, इस तरीके से है। फिर भी हाथ पैर मोड़ के मैं थोड़ी आंखें बंद कर ली थी थोड़ी देर के लिए। और ये देखो इस तरह बाहर का नज़ारा, कितनी हरियाली है, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ के मतलब कि अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है दिल्ली में, तो आप इस तरीके से गर्मी है इतनी, और ये न्यूट्रलाइज खा रही है अभी। और ये मैं इसलिए लाई थी बाहर से, मतलब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो ना तो सामान साथ में, बच्चे साथ में हो तो सामान ले जाना है, घर से बना के कुछ तो रखना पड़ता है, नहीं तो बच्चे ऐसे रह जाएंगे। मैं बहुत सारा सामान बना के लेके गई थी। जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं सारा सामान अपने स्टॉक में भर के लेके जाती हूँ। और ये मेरी दूसरी चाय आ गई है, और ये देखिए मैं उठा दी हूँ, और ये सब बैठे हुए हैं अब इस तरीके से, सबको आनंद आ रही है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है चेयर वाले। और ये हम लोग ट्रेन से उतर चुके हैं। अब हम लोग कहाँ आए हैं ये देखने के लिए, हमारे दरीचा फैमिली पे आप लोग ज़रूर जाना, ज़रूर देखना, और ये सारे वीडियो उस पे आने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर विजिट करना। और ये हमारा टूर कैसा लगा जो दिखाई हूँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना। और बहुत ही इंजॉय करने वाला चीज़ है, आगे मिलेगा। और इस तरीके से देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, और तब तक के लिए बाय बाय, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।